सिसोदिया की रिपोर्ट। स्कूल चले हम का नारा दतिया शहर के सरकारी स्कूलों का मजाक बन गया। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय एवं मिडिल स्कूल क्रमांक 2 पिछले 2-3 वर्ष से बना साइकिल कारखाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दतिया हृदय स्थल श्री पीताम्बरा पीठ के सबसे प्राचीन शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय एवं मिडिल स्कूल क्रमांक 2 पूरी तरह से साइकिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बना हुआ है। विद्यालय के सभी कक्ष जर्जर और बरसात के कारण पानी टपक रहा है। बरामदे में साइकिल और उन्हें तैयार करने वाले कारीगर फैले हुए हैं। अब बच्चों के पास विकल्प के रूप में विद्यालय का खुला परिसर है, जहां वह धूप हो या बारिश हो हर स्थिति में रहने और पढ़ने के लिए बाध्य है। पॉलीथीन का कचरा पूरे विद्यालय परिसर में फैला हुआ है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बरसात के कारण मच्छर होने से महामारी फैलने की संभावनाएँ हैं और उनकी पढ़ाई दोनों खतरे में। साथ ही एक शिक्षिका श्रीमती नाहर ने बताया कि वह भी आज साइकिल के फैले सामान से उलझकर गिर पड़ी, जिससे उनके हाथ में चोट आई है। कई बच्चे साइकिलों के बिखरे हुए सामान में उलझकर चोटिल भी हो चुके हैं। इस मामले में खास बात यह है कि हृदयहीन शिक्षा विभाग के आला अधिकारी सब कुछ जानबूझकर भी कुछ नहीं करने का निश्चय किए हुए हैं। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। और सर, पहले तो कमल कांत शर्मा थी मिडिल के HM, वो 2 शिफ्ट में कर देती थी कि ये रूम भर जाए तो उनके रूम में बैठ जाया करती थी। मतलब 4-5 साल से? हाँ, होता था पहले ऐसा ही, लेकिन रिटायरमेंट हो गया जब से ये नहीं हो पाया। तो नाम बताओ। कैसे पढ़ते हैं? ये पानी भरा फिर कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? कहाँ बैठे थे आप अभी? ऑफिस में। आप बताओ। प्राची होगी, 4th में पढ़ते। पानी में कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? हो रही है नहीं हो पा रही? नहीं सर। कितने में पढ़ते हैं? फुल। तो ये पानी भरा है आपके रूमों में, क्लास में कहाँ बैठे थे आप अभी पढ़ाई? ऑफिस में। ऑफिस में बैठ के पढ़ाई होती नैन्सी कोरी। हाँ, कितने में पढ़ते हैं? 4th क्लास। तो पानी भरा है आपके क्लासों में, कैसे पढ़ाई कर रही हैं आप? ऑफिस। ऑफिस में बैठ क्लास में जा रहे थे तो यहाँ ये रस्सी पड़ी थी, उसमें पैर उलझ गया। कहाँ लगी आप? ये हाथ में चूड़ी फंस गई तो एकदम गिरे उसमें। इस तरीके से ये बच्चे भी गिरते होंगे? बच्चे तो गए थे ही हैं, अब हम गिर गए। ये इसमें बैठने के लिए जगह ही नहीं है, जब इसमें पानी भर जाता तो बरामदों में क्लास लगाते हैं। उधर साइकिल वाले लगे हुए हैं, सो बरामदे भी भरे हुए हैं, साइकिल वाले काम कर रहे हैं, सो उनमें जगह नहीं है। और इन कमरों में पानी भर जाता है, इधर पीछे से आता है, छत से चूता है, वो भर जाता है इसको। कब से हो रही है समस्या? ये समस्या 4-5 साल से है। तो आपने इसका आप कुछ लिखा पढ़ी आवेदन वगैरह दिया? लिखा पढ़ी कई बार बता चुके, सबको पता है। कमल कांत जी शर्मा थे उस समय, ये बने थे कमरे।